गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास सेवन्थ के चैप्टर फोर के एमसीक्यू करेंगे, लीनियर पेयर इन वन इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सब्ट्रैक्ट थ्री फ्रॉम सिक्स टाइम्स ऑफ ए नंबर यू गेट नाइन। तो इसकी हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है। If you subtract 3 from 6 time of a number, तो नंबर हम कोई भी अगर लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल x है, तो नंबर हमने लिया वो x, उसके 6 टाइम में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी, तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बी है, तो बी ऑप्शन के ऊपर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस सिक्स इक्वल टू वन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे सिक्स माइनस का है, उधर जाके वन में ऐड होगा तो x की वैल्यू सेवन आ जाएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में है सेवन, तो डी ऑप्शन के ऊपर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन m अपॉन टू इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पे टू अपॉन में है, डिवाइड में है, उधर जाके राइट साइड पे थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम की वैल्यू सिक्स आ जाएगी, तो ये भी डी ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेवन एन प्लस फाइव इज इक्वल ट्वेल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेवन एन इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस फाइव हो जाएगा, और सेवन एन इज इक्वल टू सेवन आ जाएगा, और एन की वैल्यू सेवन अपॉन सेवन वन आ जाएगी, तो ये ऑप्शन सी टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फोर पी माइनस टू इक्वल टू टेन। तो यहाँ पे टू माइनस का है, उधर जाके टेन में ऐड होगा, ट्वेल्व बनेगा, और फोर पी इक्वल टू ट्वेल्व आ जाएगा, और पी की वैल्यू ट्वेल्व अपॉन फोर, तो थ्री आ जाएगा आंसर। तो सी ऑप्शन में थ्री है, सी ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन पी अपॉन टू प्लस वन इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो वन उधर जाके थ्री में से माइनस हो जाएगा, और पी अपॉन टू मतलब ऐसे करेंगे सॉल्व, पी अपॉन टू इक्वल टू थ्री माइनस वन, पी अपॉन टू इक्वल टू टू, और पी की वैल्यू टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी की वैल्यू फोर आ जाएगी। नेक्स्ट है द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3m प्लस सेवन इक्वल टू सिक्सटीन। तो ये भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 7 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 7 माइनस कर दिए 9, 3m इक्वल टू 9, और m इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, तो 3 आ जाएगा, और जो कि डी ऑप्शन के अंदर है, तो डी ऑप्शन के ऊपर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 बाई 2x इक्वल टू 15। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, 15 इंटू ये 5 बाई 2 जाकर ऐसे प्रोकल हो जाएगा 2 बाई 5, और 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे, 3 टू 6, जो कि सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन के ऊपर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर है 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो पहले हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, 4 टू दर या 4 ये उधर ले जाएंगे, 2 माइनस एक्स इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4 अपॉन 4, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 आ गया, और हमने x की वैल्यू निकालनी है, x को राइट साइड पे ले जाएंगे, 1 को इधर ले जाएंगे 2 माइनस 1, तो आंसर में हमारे पास 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो 1 ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन माइनस 4 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में p माइनस 2। इसमें ये 2 उधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 4 डिवाइड 2 इक्वल टू p माइनस 2, तो ये कट जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू p माइनस 2। अब ये 2 उधर जाके माइनस 2 प्लस 2 बन जाएगा, और इक्वल टू p, और p की वैल्यू प्लस माइनस ये कट जाएगा, 2 में से 2 निकाल दिए 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 हमारे पास ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन के ऊपर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है
राइट द इक्वेशन, द नंबर इज डिवाइडेड बाय सिक्स गिव फाइव। कोई नंबर है जिसको हम सिक्स से डिवाइड करें तो फाइव आता है। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ सकती, ये भी ऑप्शन नहीं आ सकती, ये भी नहीं आ सकती। ये नंबर बी डिवाइडेड बाय सिक्स गिव फाइव, ये डी ऑप्शन के ऊपर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल टू 50, द वर्टेक्स एंगल फाइंड करना है हमने। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर बेस एंगल दोनों 50 हैं, ये भी 50 है और ये भी 50 है। तो वर्टेक्स एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये 50 और 50 100 बन गया और ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। तो ये 80 आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी दे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में 80 है, तो बी ऑप्शन के ऊपर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 5x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व करके पता लगेगा एक्चुअली क्या आती है। 5x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 12, ये 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 5x इक्वल टू 12 में से 2 माइनस कर दी 10, और x की वैल्यू 10 अपॉन 2 5 आ जाएगी। और 5 जो है ऑप्शन में यहाँ पे 5 आएगा और 5 टू द 10, तो ऑप्शन में 2 है हमारे पास। ए ऑप्शन के ऊपर मार्क करेंगे, यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है, सॉल्व द इक्वेशन 3n माइनस 2 इक्वल टू 46। तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 3n इज इक्वल टू 46 प्लस 2 हो जाएगा उधर जाके, और 3n इज इक्वल टू 48, और n की वैल्यू निकालिए 48 अपॉन 3, तो 16 आ जाएगी, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर है। तो 16 के ऊपर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, सॉल्विंग द इक्वेशन 2a माइनस 2 इक्वल टू 20। तो ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 22 बन जाएगा, और a की वैल्यू 22 बाई 2 11 आ जाएगी, जो कि सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन के ऊपर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, राइट एन इक्वेशन फॉर द 3/4 ऑफ t इज 15। तो 3/4 ऑफ t इज 15, t का 3/4 15 है। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन में 3/4 ऑफ टी 15। नेक्स्ट है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4m माइनस 2 इक्वल टू 18। तो यहाँ पे इसको उधर ले जाएंगे तो ये 20 बन जाएगा, 18 प्लस 2 20, और m की वैल्यू निकालें 4m इक्वल टू 20, और m की वैल्यू 20 अपॉन 4 5 आ जाएगी, जो कि सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, राइट एन इक्वेशन फॉर 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 को सब्ट्रैक्ट करना है y में से और रिजल्ट 8 आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में हमारे पास y में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है और रिजल्ट 8 आ रहा है। नेक्स्ट है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 1, ये 4 दे जाके प्लस हो जाएगा, और y की वैल्यू प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकाल दिए 3, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में 3 है, तो 3 के ऊपर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 12p माइनस 11 इक्वल टू 13। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 12p इज इक्वल टू 13, 11 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 12p इक्वल टू 24, पी की वैल्यू 24 अपॉन 12 2 आ जाएगी, जो कि बी ऑप्शन में। तो ये हमारे चैप्टर 6 के क्वेश्चन किए हैं, ये 20 MCQs हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से चैप्टर 4 के हैं, चैप्टर 4 के हमने MCQs किए हैं क्लास 7 के। और यहाँ चैप्टर नंबर 4 लिखेंगे, चैप्टर नंबर 4 है, और चैप्टर नंबर 4 के MCQs किए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, तो इनको देख के आप अपने MCQs की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।